नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स की एक शानदार सी ट्रिक बताऊंगा। इस वीडियो में जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में क्वेश्चन देख लिया है और आप बिल्कुल उसकी ट्रिक जानना चाहते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, मैं इसे पूरी तरह से आपको बताऊंगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस ट्रिक को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। यह ट्रिक निश्चित ही आपको आने लगेगी और दोस्तों इतनी शानदार तरीके से आएगी कि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखते ही हल कर दोगे, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, वो इसी प्रकार का होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर। दोनों क्वेश्चन में जो डेटा है ना, वो सेम है। यहाँ पर मैंने प्लस लिया है, यहाँ पर मैंने माइनस लिया है आपको ट्रिक समझाने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। आंसर है ना, आंसर मैं आपको पहले से बता दूंगी, इसमें आंसर होगा 25, ठीक है। किसके 25? प्लस के 25, और इसमें आंसर होगा -25, ठीक है ना। ये ट्रिक इस वीडियो के खत्म होते होते आप भी बिल्कुल शानदार तरीके से जान जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 + x / 144 बराबर 13/12। तो हमें इसने एक्स का मान पूछा है दोस्तों। देखिए हम इसे किस तरीके से हल करने वाले हैं। ये आपका अंडर रूट का अंडर रूट, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, नीचे आपके 144 है, ठीक है। ऊपर 1 + है, तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा, 144 को इससे गुणा हो जाएगा। तो 144 प्लस का प्लस और एक्स का एक्स बराबर में आपके कितने हैं, 13/12। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, इस अंडर रूट को हटाने के लिए मैं यहाँ पर स्क्वायर करूंगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ मैं वर्ग करूंगा, तो यहाँ पर तो इसका स्क्वायर, ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है ना। और इस तरफ क्या आ जाएगा, इनका हम स्क्वायर करेंगे, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144। अब दोस्तों देखिए, 144 से 144 कैंसिल हो चुके हैं। अब आपके पास क्या बचा है, 144 + x = 169। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 169 - 144। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 25, ठीक है ना। ये 9 है, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर कितना है, 25। अब ध्यान से देखिए ट्रिक क्या बन रही है। ट्रिक ये बन रही है कि ये जो आपका दिया गया है ना, इसको आप जोड़ लीजिए, यदि प्लस हो तो जोड़ लीजिए, और आपका उत्तर क्या आएगा, प्लस में ही 25 आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर आया है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 25। अब दोस्तों देखिए, बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इस और इस क्वेश्चन में फर्क सिर्फ इतना ही है, प्लस और माइनस का। तो इसे भी हम हल करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इसे आप हल करोगे, 144 माइनस का माइनस एक्स और बट्टे में क्या हो जाएगा, 144 बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी 13/12, ठीक है। अब आप दोस्तों दोनों तरफ वर्ग करोगे, तो यहाँ पर आएगा 144 माइनस एक्स बट्टे 144, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13/12, सॉरी इनका स्क्वायर करोगे तो 169 हो जाएगा, ये हो जाएगा 144। अब दोस्तों देखिए, 144 से 144 क्या हो गए आपके, कैंसिल, ठीक है ना। तो इस बार देखिए आपके पास क्या है, 144 माइनस एक्स बराबर 169 है ना। तो इसे हम सोल्व करेंगे, तो दोस्तों होगा क्या, माइनस एक्स यहाँ पर रहेगा और 169 माइनस 144 यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 25। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो माइनस एक्स है, हमें इसने क्या पूछा है, एक्स पूछा था। तो दोस्तों इसका जो माइनस है वो इसके आगे चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, -25, ठीक है ना दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आपको ट्रिक समझ में आ चुकी है। फिर भी एक बार फिर से कंफर्म कर दूं कि दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ये जो दिया गया इसे आप जोड़ लीजिए, चाहे आपके आप चाहे क्वेश्चन में चाहे कुछ भी हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो कितने हो जाएंगे, 25। फिर दोस्तों यदि प्लस हो तो प्लस का 25 उत्तर हो जाएगा, और यदि दोस्तों माइनस हो तो माइनस का 25 हमारा आंसर हो जाएगा। ये थी दोस्तों शानदार सी ट्रिक। तो ये आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर इसी प्रकार की आपको शानदार ट्रिक्स मिलती रहेंगे, मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।